वेलकम टू इंडियन गर्ल चैनल त्रिशा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं हूँ त्रिशा। मेरी आज की जो वीडियो है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है हेयर ऑयलिंग के बारे में। एक्चुअली हेयर ऑयलिंग हम सभी करते हैं, मैं करती हूँ, मेरी मम्मी करती है, मेरी ग्रैंडमा करती थी, ऑफकोर्स सभी करते हैं। लेकिन हेयर ऑयलिंग के होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स। अगर आप इन डूज एंड डोंट्स को फॉलो करेंगे तो आपको हेयर ऑयलिंग की ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हेयर ऑयलिंग जो है वो हमारे हेयर में जरूरी न्यूट्रिशन और प्रोटीन को सप्लाई करता है। इसीलिए हेयर ऑयलिंग की वजह से हमारी जो हेयर है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है, साथ साथ हेयर की ग्रोथ बढ़ती है। और हेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि हेयर फॉल, स्प्लिट एंड्स, ड्राई हेयर, वो सारे प्रॉब्लम्स भी कम हो जाते हैं। तो हेयर ऑयलिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे हेयर के लिए। तो इसीलिए हेयर ऑयलिंग को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हम इस वीडियो में जानेंगे कि हेयर ऑयलिंग के इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स क्या है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना उन डूज एंड डोंट्स को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट डूज जो है वो है फोकस ऑयलिंग ऑन योर स्कैल्प। हेयर ऑयलिंग हमारे हेयर रूट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, लेकिन कभी कभी हम इसे भूल जाते हैं। इसीलिए हेयर ऑयलिंग के टाइम हमें हमारे स्कैल्प में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और हेयर ऑयलिंग जो है वो हमारे हेयर रूट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हमारे हेयर हेल्दी हो जाते हैं। आप कॉटन बॉल में या फिर फिंगर टिप में ऑयल को लेकर अपने स्कैल्प में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो है चूजिंग द राइट हेयर ऑयल। हमारे जो हेयर है वो प्रोटीन से बनते हैं, इसीलिए हेयर ऑयल चूज करने के टाइम हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें ऐसा कोई हेयर ऑयल चूज करना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। आप डाबर आलमंड हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और वाइटामिन ई होता है। ये हेयर ऑयल नेसेसरी प्रोटीन प्रोवाइड करता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स स्ट्रेंथन होता है। और इस हेयर ऑयल में मार्केट के और किसी हेयर ऑयल से दुगनी विटामिन ई होता है। और विटामिन ई हेयर फॉलिकल्स को हेल्दी बनाता है, जिससे हेयर ग्रोथ भी बूस्ट होती है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो है हमें हमारे हेयर में एक्सेस ऑयल यूज नहीं करना है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हेयर ऑयलिंग की ज्यादा बेनिफिट्स पाने के लिए हमें ज्यादा हेयर ऑयल यूज करना है, और इसीलिए हम हमारे हेयर को कम्प्लीटली ऑयल में सोक कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस उतने क्वांटिटी में ऑयल लेना है जो ऑयल आपके स्कैल्प एरिया को कवर कर सके। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि डाबर आलमंड हेयर ऑयल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन ई होता है, इसी वजह से ये कम क्वांटिटी में भी आपके हेयर को जरूरी न्यूट्रिशन और प्रोटीन सप्लाई कर पाता है। और ज्यादा हेयर ऑयल अप्लाई करने की वजह से हमें ज्यादा शैम्पू करने की जरूरत पड़ती है, जिसके वजह से हमारे जो हेयर है वो फ्रीजी हो सकती है। इसीलिए एक्सेस ऑयल बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है डू नॉट फॉरगेट टू मसाज योर स्कैल्प आफ्टर हेयर ऑयल। हेयर ऑयलिंग तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन मसाज करना कम्प्लीटली भूल जाते हैं। लेकिन ये मसाज करने की जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कैल्प को मसाज करने से हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होती है, जिसके वजह से हेयर ग्रोथ भी बूस्ट होती है। और अगर आप डाबर आलमंड हेयर ऑयल को अप्लाई करने के बाद स्कैल्प को मसाज करेंगे तो इसकी जो विटामिन ई है वो आपके स्कैल्प को हेल्दी रखेगा, जिससे हेयर ग्रोथ भी बूस्ट होगी और हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। फिफ्थ जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो है डू नॉट रब द हेयर स्ट्रैंड्स। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हेयर ऑयलिंग करने के टाइम वो अपने हेयर स्ट्रैंड्स को रब करते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेयर को डैमेज करता है। इसके वजह से हमारी हेयर और भी ज़्यादा फ्रीजी हो सकती है और हेयर में स्प्लिट एंड्स आ सकते हैं। हेयर को पम्प में लेके इस तरीके से धीरे धीरे जेंटली हेयर स्ट्रैंड्स में आपको अप्लाई करना है, और आप देखेंगे ये हेयर ऑयल आपकी हेयर की ड्राइनेस और फ्रीजनेस को पहले से बहुत ही कम कर देगा। ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है या फिर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहे तो मुझे मेरे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। मेरी सोशल मीडिया की जो आईडीज है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो वहां पे जरूर फॉलो करें। और मेरे आज के वीडियो को ये भी खत्म करते हैं, लेकिन खत्म करने से पहले आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आगे से आपको क्या वीडियो देखना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।